देख रहे हो तो इस वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के पीछे की रियलिटी को बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में।
क्वालिटी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा था फ्रेंड्स, और इस वीडियो को बनाने की वजह से उन 2 दिनों में मेरी पढ़ाई जो है वो कम हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने इस टाइप की वीडियो और भी देखी होगी, स्टडी ब्लॉग से रिलेटेड ऐसे कुछ करके वीडियो आती है, तो वहाँ पर इन वीडियो को बनाने में जो सिचुएशन होती है, जो हालात होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहली बात है कि पढ़ाई बहुत कम होती है, और ऐसा नहीं है कि जैसा रूटीन मैंने इस वीडियो में बताया है वाकई में वैसा ही रियलिटी में मेरा ऐसा रूटीन होता है, जिनको देख करके अपन ये फिक्स कर लेते हैं कि कल से मैं भी ऐसा पढ़ूंगा, और अपन बहुत मोटिवेट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक एक्टिंग का तरीका हो गया, मतलब एक्टिंग करके ये वीडियो बनाई जाती है कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो उनके हिसाब से बताया जाता है, जो कि वो भी खुद अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको लग रहा हो कि मेरा डेली का रूटीन जो है वो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है पढ़ने का, जब मन करता है जब मैं पढ़ता हूँ, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगली बात अपन करते हैं फ्रेंड्स लाइब्रेरी को लेकर के, क्या लाइब्रेरी में जाकर ही पढ़ाई हो सकती है फ्रेंड्स? तो लाइब्रेरी में जाना ये एक ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई घर पर अच्छे से हो रही है तो आपको मैं यही राय दूंगा कि आपको घर पर रह करके ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में फ्रेंड्स आपके ऊपर एक बाउंडेशन, एक कुछ शर्तें लग जाती है, जिसमें से पहली बड़ी, सबसे बड़ी शर्त यही है, वो आपके हेल्थ का भी इशू बन सकता है। हेल्थ का इशू कैसे? आपको वहां पर एक ही पोजीशन में रह करके पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे लेट करके या चलते चलते या अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारी वहां पर बाउंडेशन हो जाती है, तो आप वहां पर लाइब्रेरी में ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर वो हेल्थ का जो इशू है, आपकी कमर में दर्द होना या फिर आँखों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने लाइब्रेरी को कुछ घंटों के लिए, यानी कि 5-6 घंटों के लिए ज्वाइन कर रखा है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है लाइब्रेरी से पढ़ करके, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो देखने के बाद में फ्रेंड्स आपको आपका जो माइंडसेट है वो इस तरीके से सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको इनमें से जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो आपको डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, वो आप यहाँ से उठा करके रख सकते हो अपने डेली रूटीन में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जो आपके दिमाग में रीड से रिलेटेड जो नया सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है, बुक्स को लेकर के, नोट्स को लेकर के, और जो यूट्यूब पर वीडियो है फ्रेंड्स उनको लेकर के जो अफवाहें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे कि अपने को कहाँ से अच्छा मेटर मिल सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।